ओके गाइस, तो सैमसंग ने ऑफिशियली सैमसंग एस टेन लाइट के लिए एंड्रॉइड 13 विद 1.5.0 की स्टेबल अपडेट जो है वो रिलीज कर दी है। तो आज की इस न्यू वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा इस अपडेट के बारे में। एक्जैक्टली मैं आप लोगों को एक एक फीचर्स जो है वो एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। तो अगर आप लोगों के पास सैमसंग का स्मार्टफोन है और आप लोग 1.5.0 के फीचर्स जानने में इंटरेस्टेड हो तो आप लोग इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। और वीडियो में कुछ भी पसंद आती हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल पर पहली बार विजिट की हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप लोग होम स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि सैमसंग ने ऑफिशियली एस टेन लाइट के लिए 1.5.0 विद एंड्रॉइड 13 की स्टेबल अपडेट जो है वो रिलीज कर दी है। और ये अपडेट इंडिया के अंदर रिलीज किया गया। बात करें इसके अपडेट फाइल के बारे में तो अप्रॉक्स आप लोगों को 2GB की अपडेट फाइल देखने के लिए मिल जाती है। नवंबर की सिक्योरिटी पैच इंक्लूड देखने के लिए मिल जाती है इस अपडेट के अंदर। और ऑब्वियसली इस अपडेट के अंदर हमें एंड्रॉइड 13 विद 5.0 जो है वो इंक्लूड देखने के लिए मिल जाती है, जिसमें हमें काफी सारी फीचर्स देखने के लिए मिलती है। वैसे अगर हम बात करें कि यार कौन कौन से फीचर्स जो है वो हमारे डिवाइस के अंदर फाइनली इस अपडेट के बाद जो है वो इंक्लूड देखने के लिए मिलने वाली है, तो सबसे पहला फीचर आप लोगों को यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल में देखने के लिए मिल जाएगा। बेसिकली 1.5.0 के नोटिफिकेशन पैनल को समथिंग जो है वो ऑप्टिमाइज किया गया है। जैसा कि आप लोग होम स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि 1.4 का नोटिफिकेशन पैनल कुछ इस प्रकार से आप लोगों को देखने के लिए मिल जाता है, एंड यहाँ पे 1.5.0 का नोटिफिकेशन पैनल आप लोगों को कुछ इस प्रकार का देखने के लिए मिल जाता है। अगला फीचर आप लोगों को मैसेज एप्लीकेशन में देखने के लिए मिल जाती है। गाइस, यहाँ पे मैसेज एप्लीकेशन के कुछ लेआउट को चेंज किया गया है। जी हाँ गाइस, देख सकते हो आप लोग कि कुछ इमोजीज को इंक्लूड किया गया, कुछ इंटरफेस को यहाँ पे चेंज करने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ नेक्स्ट फीचर हमें लॉक स्क्रीन के अंदर देखने के लिए मिल जाती है। जी हाँ गाइस, हम लोग सेटिंग में जाते हैं, देन यहाँ पे लॉक स्क्रीन में जाते हैं तो लॉक स्क्रीन में आप लोगों को काफ़ी सारी फीचर्स देखने के लिए मिल जाएगी। फर्स्ट वन, आप लोगों को 1.5.0 में न्यू वॉलपेपर जो है वो इंक्लूड देखने के लिए मिल जाती है। साथ ही साथ लॉक स्क्रीन कुछ इस प्रकार से आप लोगों को देखने के लिए मिलता है, जो कि काफ़ी कूल सा लुक प्रोवाइड कराता है। साथ ही साथ आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो विजिट यहां पे सेलेक्ट कर सकते हो, और गाइस यहां पे विजिट को रिड्यूस भी कर सकते हो। तो यहां पे विजिट की सेटिंग आप लोग यहां पे इस अपने अकॉर्डिंग जो है वो देख सकते हो। डायनेमिक लॉक स्क्रीन का ऑप्शन आप लोगों को इस अपडेट के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। काफ़ी सारे विजिट्स आप लोगों को इस अपडेट के अंदर देखने के लिए मिल जाएगी। आइकन शेप यहाँ पे चेंज कर सकते हो कि यहाँ पे नोटिफिकेशन आती तो उसकी आइकन शेप क्या होनी चाहिए, कैसी नोटिफिकेशन होनी चाहिए, बेसिकली अपने अकॉर्डिंग जो है वो मिनिमाइज या फिर से कह सकते हो कि ऑप्टिमाइज कर सकते हो। अगला फीचर हमें लॉक स्क्रीन के अंदर ही देखने के लिए मिल जाती है, जो कि लॉक स्क्रीन शॉर्टकट का ऑप्शन आप लोगों को देखने के लिए मिल जाती है। जब हमारा फ़ोन लॉक स्क्रीन पे होता है तो बेसिकली हम लोग एक शॉर्टकट पैनल ओपन कर सकते हैं, जिसमें हम अपने अकॉर्डिंग एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर सकते हैं। जस्ट लाइक कि आप लोगों को कैमरा देखने के लिए मिल जाएगी, डू नॉट डिस्टर्ब देखने के लिए मिल जाएगा, कैलकुलेटर देखने के लिए मिल जाएगा, फ्लैश लाइट देखने के लिए मिल जाएगा, वॉइस रिकॉर्डर देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर लॉक स्क्रीन शॉर्टकट में कुछ इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन जो है वो सेलेक्ट कर सकते हो। अगला फीचर हमें नोटिफिकेशन के अंदर देखने के लिए मिल जाती है। जी हाँ गाइस, नोटिफिकेशन के अंदर आप लोग अपने अकॉर्डिंग जो है वो कस्टमाइजेशन कर सकते हो। लाइक यहाँ पे है कि कौन सी एप्लीकेशन के आप लोगों को नोटिफिकेशन चाहिए, कौन सी एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन नहीं चाहिए। ये मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ पे 1.4 में भी ये फीचर देखने के लिए मिल जाती थी, लेकिन यहाँ पे उसमें जो है वो कुछ ऑप्टिमाइजेशन की गई है। अगला फीचर आप लोगों को यहाँ पे डू नॉट डिस्टर्ब देखने के लिए मिल जाती है, जो कि आप लोग यहाँ पे ऐप ड्रॉवर में जाके ऐप को सेलेक्ट कर सकते हो। देन यहाँ पे कौन कौन सी ऐप आप लोगों को डिस्टर्ब ना करे, यानी कि नोटिफिकेशन ना आए या कुछ भी हो सकता है ना वो ना आए, तो बेसिकली आप लोग यहाँ पे डू नॉट डिस्टर्ब में वो सभी एप्लीकेशन को सेलेक्ट करके जो है वो रख सकते हो। अगला फीचर जो हमें देखने के लिए मिल जाती है वो गाइस गैलरी के अंदर देखने के लिए मिल जाती है। बेसिकली गैलरी के अंदर आप लोग यहाँ पे ग्रुप क्रिएट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, एल्बम का ऑप्शन आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, ऑटो अपडेट एल्बम आप लोगों को फीचर देखने के लिए मिल जाती है, एनिमेशन चेंज आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी, फिल्टर इंक्लूड देखने के लिए मिल जाएगी, एडिटिंग सेक्शन में आप लोगों को चेंजेस देखने के लिए मिल जाएगी। लाइक की इरेजर का ऑप्शन आप लोगों को ऑब्वियसली पहले भी देखने के लिए मिल जाता था, लेकिन इसमें भी ऑप्टिमाइजेशन के साथ आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन जो है वो देखने के लिए मिलने वाली। तो गैलरी में काफी सारे चेंजेस जो है वो की गई है इस अपडेट के अंदर।
नेक्स्ट फीचर हमें सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी एप्लीकेशन में देखने के लिए मिल जाती है। बेसिकली सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी एप्लीकेशन में काफ़ी अच्छी चेंजेस जो है वो की गई है। आप लोगों को यहाँ पे इंटरफेस जो है वो चेंज देखने के लिए मिल जाएगी। कुछ ऑप्शन को यहाँ पे यहाँ से वहाँ कर दिया गया है और गाइस छोटे मोटे चेंजेस भी यहाँ पे जो है वो सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के अंदर आप लोगों को इंक्लूड देखने के लिए मिल जाएगी। नेक्स्ट फीचर हमें सेटिंग के अंदर देखने के लिए मिल जाती है। देन यहाँ पे सेटिंग में जाते हैं, उसके बाद कनेक्टेड डिवाइसेस में जाते हैं। तो गाइस यहाँ पे कुछ इंटरफेस को चेंज करने की कोशिश की गई है एंड समथिंग फीचर्स भी आप लोगों को यहाँ पे कनेक्टेड डिवाइसेस में देखने के लिए मिल जाएगी। अगला फीचर आप लोगों को लॉक स्क्रीन के अंदर देखने के लिए मिल जाती है, जो कि सेफ्टी एंड इमरजेंसी करके फीचर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाती है। जैसा कि आप लोग होम स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि की डायलर आप लोगों को कुछ इस प्रकार का देखने के लिए मिल जाता है। एंड गाइस नीचे में यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप लोगों को कुछ मेडिकल इंफॉर्मेशन कर का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाएगी। और गाइस यहाँ पे इमरजेंसी के टाइम में कुछ इस प्रकार से आप लोग कॉल लगा सकते हो, तो उसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से आप लोगों को देखने के लिए मिल जाती है। अगला फीचर हमें मेडिकल इंफॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाती है। बेसिकली मेडिकल इंफॉर्मेशन में क्या है ना यार, कि यहाँ पे नाम आप लोग डाल सकते हो, साथ ही साथ कंडीशन डाल सकते हो कि कौन से कंडीशन में पेशेंट है, उसके बाद एलर्जीज डाल सकते हो कि हाँ यार कौन सा बीमारी है, साथ ही साथ मेडिसिन भी आप लोग यहाँ पे डाल सकते हो कि करंट में कौन सा मेडिसिन रन कर रहा है। अगला फीचर हमें जो देखने के लिए मिल जाती है वो गाइस पैनिक मोड देखने के लिए मिल जाती है। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि 3 times प्रेस करते हैं पावर बटन को, तो गाइस उसके बाद यहाँ पे जिस भी पर्सन का हम लोग नंबर सेलेक्ट करके रखेंगे ना, ठीक, उसको जो है वो मैसेज चला जाएगा या फिर से कॉल चला जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग के सामने वाले पर्सन को पता चल जाएगा कि हाँ ये बंदा प्रॉब्लम में है, तो आप लोग आपकी वो हेल्प कर सकता है। तो पैनिक मोड आप लोगों को ये फीचर जो है वो 1.5.2 में इंक्लूड देखने के लिए मिल जाती है। अगला फीचर के बारे में बात करें तो अगला फीचर हमें होम स्क्रीन के अंदर देखने के लिए मिल जाती है। बेसिकली होम स्क्रीन कुछ इस प्रकार से आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी। साथ ही साथ विजिट, क्लॉक, वेदर, ये सभी की कस्टमाइजेशन आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी। मतलब कि आप लोग रिमूव कर सकते हो, यहाँ से वहाँ कर सकते हो, स्मॉल बिग साइज कर सकते हो, तो ये सभी कस्टमाइजेशन आप लोगों को विजिट्स, क्लॉक एंड वेदर के अंदर जो है वो होम स्क्रीन पे देखने के लिए मिल जाती है। अगला फीचर हमें सेटिंग के अंदर देखने के लिए मिलती है, जो कि हम सेटिंग में जाते हैं, देन यहाँ पे वॉलपेपर एंड स्टाइल में जाते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप लोगों को फर्स्ट वन डार्क मोड का ऑप्शन तो ऑब्वियसली देखने के लिए मिलता ही है। साथ ही साथ आप लोगों को मेनी मोड्स वॉलपेपर जो है वो इंक्लूड देखने के लिए मिल जाती है इस अपडेट के अंदर। अगला फीचर आप लोगों को कलर पैलेट यानी कि डायनेमिक थीमिंग का ऑप्शन आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि ऑब्वियसली 1.4.0 के साथ ये अपडेट जो है वो देखने के लिए मिलते आ रहा है। तो इसमें भी आप लोगों को काफी अच्छी चेंजेस एंड इंप्रूवमेंट्स के साथ कलर पैलेट का फीचर देखने के लिए मिल जाता है। अगला फीचर हमें एज पैनल देखने के लिए मिल जाती है। गाइस यहाँ पे एज पैनल के अंदर जो है वो समथिंग इंप्रूवमेंट्स की गई है, कस्टमाइजेशन की गई है। लाइक यहाँ पे आप लोगों का जो इफेक्ट है ना यार, वो यहाँ पे इफेक्ट चेंज देखने के लिए मिलने वाला है, एनिमेशन चेंज देखने के लिए मिलने वाला है, जो कि यहाँ पे काफी कूल सा आप लोगों को यूजर एक्सपीरियंस देखने के लिए मिलेगी यूज करने के दौरान। नेक्स्ट फीचर हमें कैमरे के अंदर देखने के लिए मिल जाती है। कैमरे के अंदर आप लोगों को कुछ फिल्टर्स इंक्लूड देखने के लिए मिल जाएगी। सिंगल टेक अब आप 15 सेकेंड तक ले सकते हैं। समथिंग इंटरफेस को चेंज किया गया। वाटरमार्क यहाँ पे वाटरमार्क एंड डेट को रिमूव करने का यहाँ पे ऑप्शन ऑब्वियसली आप लोगों को देखने के लिए मिल जाती है, और यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो कुछ भी वाटरमार्क रख सकते हो। नेक्स्ट फीचर आप लोगों को यहाँ पे फोटोज एंड वीडियोस एडिटिंग में देखने के लिए मिल जाती है। जैसा कि आप लोग होम स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, स्टिकर्स का ऑप्शन आप लोगों को ऑब्वियसली देखने के लिए मिल जाती है, टेक्स्ट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाती है। काफी सारे इफेक्ट्स यहाँ पे इंक्लूड किए गए और भी एडिटिंग टूल्स जो है वो यहाँ पे इस अपडेट के अंदर आप लोगों को इंक्लूड जो है वो देखने के लिए मिल जाती है। अगला फीचर आप लोगों को इरेजर वीडियो ट्रिमिंग का देखने के लिए मिल जाता है, जो कि आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो वीडियो के अंदर। साथ ही साथ यहाँ पे इंटरफेस को जो है वो चेंज किया गया है, इफेक्ट को चेंज किया गया, तो समथिंग चेंजेस जो है वो इस फीचर में भी देखने के लिए मिल जाती है। नेक्स्ट फीचर आप लोगों को यहाँ पे कॉलर एप्लीकेशन के अंदर देखने के लिए मिल जाती है। बेसिकली कॉलर एप्लीकेशन के अंदर आप लोग अपने अकॉर्डिंग जो है वो मैसेज ब्लॉक कर सकते हो या फिर से कॉल भी ब्लॉक कर सकते हो। मानो कि सामने वाले पर्सन का आप चाहते हो कि मैसेज ना आए, तो सिंपल से आप सिर्फ मैसेज को ब्लॉक कर सकते हो। देन अगर आप चाहते हो कि सामने वाले पर्सन का कॉल ना आए, मैसेज आए लेकिन कॉल ना आए, तो गाइस आप लोग यहाँ पे सिर्फ कॉल को ब्लॉक कर सकते हो।
तो ये सभी फीचर आप लोगों को वन ईयर 5.0 विद एंड्रॉयड 13 में इंक्लूड देखने के लिए मिल जाती है। और गाइस, अगर आप लोगों का स्मार्टफोन वन ईयर 5.0 के अपडेट लिस्ट में अपडेटेड है तो ये सभी फीचर्स आप लोगों के स्मार्टफोन के अंदर भी देखने के लिए मिलेगी। वैसे यहाँ पे छोटे मोटे और भी काफ़ी सारे फीचर्स है वो इस अपडेट के अंदर इंक्लूड की गई है। तो आज की इस वीडियो में यही कुछ इन्फॉर्मेशन थी। यार वीडियो पसंद आई हो तो ऑब्वियसली आप लोग एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, काफ़ी मेहनत लगी है, तो वीडियो को फटाफट कर दीजिए लाइक। और चैनल पे पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस जरूर कर देना, फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही यार, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।